नागपुर के जामठा अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टिकट के लिए सिविल लाइंस के पुराने VCA कार्यालय के बाहर भीड़ लग रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मैच के टिकट के लिए साइबर टीम ब्लैक में टिकट बेचने वाले लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। तो दूसरी ओर पुराने VCA ग्राउंड कार्यालय के सामने टिकटों की कालाबाजारी खुलेआम होती दिख रही है। 23 सितंबर को जो है नागपुर शहर में जो VCA ग्राउंड पर T20 मैच खेला जाएगा, उसका जोश जो है, उत्साह जो है हमें दिखाई दे रहा है। पुराने VCA ग्राउंड के बाहर जो है भीड़ लगी है टिकट के लिए। आप देख पा रहे हो, जर्सी भी दिखाई दे रही है, टी शर्ट दिखाई दे रही है। जो अभी जो जोश है क्रिकेट का, मैच का जो जोश है नागपुर शहर में दिखाई दे रहा है। युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ टिकट के लिए लाइन में खड़े। आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में पुराने VCA ग्राउंड के सामने जो है बड़ी तादाद में लंबी लाइन जो है 2 से 3 दिनों से लगी है टिकट खरीदने के लिए। हमारे साथ कुछ यहाँ टिकट खरीदने आए लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या 4000 में बेच रहे हैं, मिल भी नहीं रही 4000 में। 2000 की टिकट 4000 में भी नहीं मिल रही है, कोई 6000 5000 बोल रहा है, नहीं मिली। 500 वाले 3000 में बेच रहे हैं। यहाँ पे टिकट का इतना घोल चालू है कि 500 वाली टिकट यहाँ पे 3500 में बेच रही है। करप्शन इतना ज्यादा है, फुल करप्शन है यहाँ पे। मुझे तो लगता है बड़ी बड़ी मुश्किल से एक टिकट बुक हुई। अगर फैमिली को लेके जाना हो तो कैसे लेके जाए? और मैंने 650 की टिकट बुक किया बड़ी मुश्किल से एक पर, मुझे पूरे जिस दिन टिकट बुक 18 तारीख को, और फैमिली को लेके जाओ तो मैं एक टिकट बेयर नहीं कर सकता 5000 में। लोगों को एक टिकट के बाद एरर शो करने लगा, किसी को वेस्ट की एक मिली है, किसी को ईस्ट की एक मिली है। VCA वालों को ऐसा लग रहा है कि VCA वालों का मैटर वहाँ गड़बड़ है, क्योंकि वो बंच लेके गए थे 15-16 तारीख को। ये देखिए मेरी टिकट, एल ब्लॉक की 2 टिकट है मेरी, टिकट उधर। हाँ, एल ब्लॉक की 2 है और वी ब्लॉक की 2 है। अब फैमिली जा रही है तो फैमिली जाएंगी कहाँ से? एक फैमिली उधर बैठेंगे, एक फैमिली उधर बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मजाक बाजी कर रहे हैं? VCA वाले चोर है यहाँ पे, आप देख रहे हो। चोर बाजारी चल रही है, कुछ नहीं होना, सिर्फ चोर बाजारी चल रही है, चल रही है, बाकी कुछ नहीं होना है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, चोर बाजारी बंद करो। जय श्री राम। मैडम एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ, मैं 13 तारीख से पेटीएम इंसाइडर को मेल कर रहा हूँ। एक्चुअल हैंडीकैप कोटे का टिकट मिलता है हर बार हमको, मेरे पास यहाँ पूरा मेल है इनको, मैं 13 तारीख से इनको मेल कर रहा हूँ। बड़े मेल पे ये लोग मुझे मेल पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मैं कंटिन्यू देखिए मैं उनको कितने फीडबैक के लिए डाल रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आके पूछता हूँ तो बोलते कि आपका कोटा कंप्लीट हो गया है। अब कोटा कंप्लीट हुआ तो उसका रिप्लाई कौन देगा? ये जो VCA का जो इन्होंने जो ऑनलाइन किया है, ये सबसे गलत किया है। जो जिनको मोबाइल से हो नहीं रहा, और ये पूरे जो है लैपटॉप लेके सब टिकटें ब्लैक कर रहे, तो आप, मैं ये चीज VCA के जो बड़े लोग हैं उनसे ये चीज बोल रहा हूँ कि ये टिकट नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन कीजिए। जो इतने लोग घूम रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग टिकटों के भी, और ये जो 500 वाली टिकट है 6000 में बिक रही है, 5000 में बिक रही है, क्या है ये? आप लोग ऑनलाइन का सिस्टम क्यों चीज के लिए किया था कि कोई किसको तकलीफ ना हो? ये सब पूरी तकलीफ है इसके लिए। तो आप हमने देखा कि जहाँ जोश है, उत्साह दिखाई दे रहा है मैच को लेकर, वही टिकट ना मिलने की वजह से लोगों में जो है कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, VCA न्यूज नागपुर।